जय गो माता की, जय गोपाला भाई, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल गौ सेवा हरियाणा पानीपत। भाई है साथ में आए हैं, गौ सेवक भाई है अपने पानीपत के अंदर, जितने भी एक्सीडेंट घायल पीड़ित वृद्ध व मृत्यु जिस प्रकार से भी गोवंशों को दिक्कत होती है, भाई उनकी रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं। वह आज हरिद्वार के अंदर वीर भगत सिंह गौ सेवा धाम उत्तराखंड के अंदर भाई साहब पहुँचे हैं। मैं भाइयों का धन्यवाद आभार करता हूँ और एक छोटा सा निवेदन करता हूँ, भाई इस वीडियो को शेयर भी करें, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। आपको दिखाऊंगा मैं पूरा अपना गौ सेवा धाम और किस प्रकार से यहाँ पर एक्सीडेंट गोवंश लाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। जय गौ माता की, जय गोपाला। जिस प्रकार से मैंने आप सभी को बताया है कि हरिद्वार का प्रथम गौ सेवा धाम है वीर भगत सिंह सेवा मिशन द्वारा संचालित, और ये गोवंश जिस प्रकार से इस गोवंश को सड़क पर हाईवे पर टक्कर लगी, ये गोवंश से काफ़ी पीड़ित है और इसी प्रकार से लगातार काफ़ी सारे गोवंश हमारे यहाँ पर लाए जाते हैं। हमारी जो है ये आयुषु वार्ड है, अभी इसमें यहाँ पर फोकर सिस्टम की व्यवस्था, पंखों की व्यवस्था, टीन सेट की व्यवस्था कराई गई है। ये इमरजेंसी वार्ड है, जिस प्रकार से गोवंश यहाँ पर हैं इनको परिपूर्ण जितने हो सकता है संभव इतना प्रयास इलाज देने में करते हैं। जैसे कि ये गौ माता देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये तीन पैरों पर अपना जीवन यापन कर रही है। एक्सीडेंट घटना में पैर टूट गया था, इस गोवंश की जो है कुल्ली टूट गई थी और यहाँ पर हमारे भाई पहुँचे हैं आज की सेवा भाइयों की ओर से, पानीपत वालों की ओर से। जिस प्रकार से गोवंश देख रहे हैं भाई, इसकी टांग में काफ़ी दिक्कत है पर खड़ा हो जाता है, तो लगातार ऐसे ही गोवंश यहाँ पर लाए जाते हैं जिनको सेवा की सख्त ज़रूरत है। और रोड पे रहेंगे तो पानी पिएंगे कोई पियाने वाला नहीं मिलेगा, घास खाने की इच्छा होगी तो घास खुआने वाला नहीं मिलेगा, टाइम पर उपचार नहीं मिलेगा, इलाज नहीं मिलेगा और वो गोवंश तड़प तड़प के वहीं पर अपने प्राण त्याग देगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भाई आज पहुँचे आज की सेवा भाइयों की ओर से, और मैं भाइयों का धन्यवाद। भाई का नाम अमित शर्मा जी, रोहित त्यागी, ले भाई त्यागी भी आ गए, और कपिल शर्मा जी महाराज जी, जय श्री राम। तुम कहाँ से हो? आशीष पंडित। ये भाई आशीष पंडित जी जो पिछले लंबे समय से हमारे गौ सेवा धाम में पूरी सेवा देते हैं अपना टाइम टाइम पर, और भाई साथ में इनके एक और है, भाई का नाम रवि बाबा। ठीक, तो भाई ज़्यादा नहीं कहूँगा, इस वीडियो को शेयर करें इन गौवंशों के लिए जितना हो सकता है और प्रयास करें चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी से मैंने आप सभी को बताया है कि वीर भगत सिंह गौ सेवा धाम द्वारा संचालित एक कपड़ा गौ सेवा धाम, और एक्सीडेंट घायल पीड़ित वृद्ध व जितने भी जिस प्रकार से गौवंशों को दिक्कत होती है उनकी सेवा में तत्पर तैयार रहते हैं, और आज भाइयों की तरफ से सेवा चल रही है। बहुत ही अच्छा भाव है भाइयों का जो गौ सेवा धाम में पधारे, मैं इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और पानीपत व सोनीपत हरियाणा की जितनी भी टीम है सभी भाइयों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस कावड़ मार्ग की सभी को अनंत शुभकामनाएं, गौ माता की कृपा सभी पर बने रहो। जो कांवड़िए आ रहे हैं एक बार प्रयास करें गौ सेवा धाम के अंदर जरूर आए और प्रयास करें जितना भी संभव हो सकता है गौशाला में प्रयास करें, जाने का प्रयास करें, वहाँ की स्थिति को देखें और वहाँ पर जितना सपोर्ट हो सकता है कराने का प्रयास करें।